सोमवार की सुबह एक तरफा प्यार में एक शादीशुदा प्रेमी ने शिक्षिका को दिन दहाड़े पेट्रोल डालकर जलाया। यह घटना वर्धा जिले के हिंगन घाट में सामने आई है। इस हादसे में शिक्षिका गंभीर जख्मी हुई है। दिन दहाड़े हुई घटना से परिसर में खलबली मची है। इस मामले में फरार आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हुए बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने हिंगन घाट पुलिस थाने का घेराव किया। सोमवार को वर्धा जिले के हिंगन घाट में नंदोरी चौक परिसर में 27 वर्षीय विक्की नगराड़े ने महिला शिक्षिका पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया है। इस घटना में महिला शिक्षिका बुरी तरह झुलस गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल आरोपी महिला से प्यार करता था, लेकिन महिला उसे नहीं चाहती थी और उसका ना चाहना ही परेशानी का कारण बन गया और महिला की जान पर बनाई, जिसके चलते उसने महिला शिक्षिका को जान से मारने का तय किया। इसके लिए आरोपी पहले से ही नंदोरी चौक पर अपनी पल्सर गाड़ी लेकर खड़ा था। जैसे ही महिला शिक्षिका बस से उतरी और कुछ दूर आगे ही बढ़ी थी कि आरोपी ने उस पर एक हाथ से पेट्रोल छिड़का और दूसरे हाथ से आग लगा दी। पीड़िता की उम्र 24 साल है। वो मातोश्री आशाताई कुलावार वुमन कॉलेज में पिछले 7 महीने से पढ़ा रही थी। आरोपी ने कई बार पीड़िता से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन पीड़िता के मना करने पर आरोपी ने उसे जला दिया है। आज सुबह 7:30 के दरमियान हिंगन घाट के नंदोरी चौक के इधर एक लड़के ने एक लड़की के ऊपर पेट्रोल डाल के जलाने का प्रयत्न किया। ऐसा इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट्स के बाद हिंगन घाट पुलिस स्टेशन में IPC कलम 307 और 326A(b) के अंतर्गत गुना दाखिल किया गया है और लड़की को 20% बर्न्स हुए हैं, ऐसा प्राथमिक इन्फॉर्मेशन हमें मिला है और उसके बाद लड़की को आगे के उपचार के लिए नागपुर में रेफर किया गया है। और इस गुने जो दाखिल हुआ है उसमें स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमने गठित किया है और जल्द से जल्द वो गुने का तपास हम पूरा करके जल्द से जल्द वो केस में ट्रायल शुरू हो, इसलिए हमारा प्रयास रहेगा और उसमें आरोपी को शिक्षा होने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इस हादसे के बाद पीड़िता को तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन पीड़िता बुरी तरह झुलस चुकी थी, इसलिए उसे तुरंत नागपुर के ऑरेंज सिटी अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज शुरू है। घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन इस मामले से पूरे शहर में खलबली मची है। वहीं वुमन कॉलेज की सभी छात्राएं सड़क पर उतर आई है और पुलिस अधिकारियों का घेराव कर आरोपी को जल्द से जल्द पकड़कर जनता के हवाले करने की मांग की है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खुबरागड़े के साथ एकता गहरवार की रिपोर्ट।